को बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ यार बढ़िया बीच है, इतना दोपहर में, भरी दोपहर में एयरपोर्ट के बाद कोलगा बीच पे आ गए हम पास में। वेलकम टू #कपल लास्ट डे ऑफ गोवा। क्लब महिंद्रा केशिया पाम्स में रुके हैं हम लोग, तो थोड़ा वहाँ का रिव्यू भी देंगे, थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग भी दिखाएंगे, क्लब भी दिखा देंगे, बीचेस भी दिखाएंगे। बढ़िया हैपनिंग बीच लग रहा है ना। मैं और मेरा फियांसे गए थे गोवा में प्री वेडिंग शूट पर, तो प्री वेडिंग शूट के वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब थक हार के टाइम टू गो टू होटल, चेकिंग इन क्लब महिंद्रा केशिया पाम्स। वेरी डिसेंट रूम, नाइस एंड क्लीन, सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं। अकेशिया पाम्स की लोकेशन काफ़ी सही जगह पर है, आसपास में घूमने को बीचेस और काफ़ी कुछ है। फ्रिज भी है, गर्म पानी एंड ऑल ऑफ दैट, चाय कॉफ़ी के लिए। Here's the mirror. Oh nice, एक और मिरर फुल लेंथ वाला। Here you go. बस बाथ टब नहीं है, बाकी सब परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, नहीं आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ब्रंच, लंच करने जा रहे हैं हम। ब्रेकफास्ट कितने बजे? 2:35 मेरा ब्रंच, 2:35 PM। इतनी देर से भूखा रखना है इन्होंने मुझे, काम करते रहते हैं ऑफिस का जब देखो तब, और सोते रहते बहुत थकने के बाद काफ़ी सोते हैं। एसोनोरा क्लब महिंद्रा में थे पहले हम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगेन क्लब महिंद्रा, बट अ डिफरेंट लोकेशन, अकेशिया पाम्स, अकेशिया पाम्स क्लब महिंद्रा, मारगांव, कौन सा बीच था, कोलाबा, 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 कोलाबा। अभी रिजॉर्ट भी नहीं देखे हमने, हम लोग बहुत लेट आए थे, रात को सो रहे थे, रात्री धुत करके ऐसे सोए थे, ऐसे धड़ाम करके सीधा बेड पे पड़ गया इतनी जोर से। अच्छा एक्चुअली यहाँ दूसरे को एसोनोरा वाले क्लब महिंद्रा में इतना बड़ा पूल और पूरा वाटर पार्क थे, एक्चुअली 5-7-8 पता नहीं कितने पूल्स थे वहाँ पे, तो उसके आगे तो बहुत छोटा सा लग रहा है, कुछ एक्टिविटी एरिया भी यहाँ पे। चलो पहले हम एक बार खाना खाते हैं। अब जैसे ब्रेकफास्ट बूफे में बहुत कुछ होता है ना, वैसे लंच में ऐसे ही नहीं था, लंच में बहुत ही लिमिटेड से लोग थे, तो इसके लिए उन्होंने मेन्यू प्रोवाइड कर दिया था लंच के बूफे का, और जो भी हमें चाहिए उसमें से वो फ्रेश फूड बना करके दे देंगे, चाहे हम पूरा का पूरा मेन्यू बोल दें वो पूरा बना के दे देंगे। और दिखने में ही खाना इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छी खुशबू है, खाने में भी बहुत अच्छा है, तो हमने बहुत सारा मंगवा लिया और बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी खाना है। मैं और मेरा पहला प्यार खाना ही खाना, और भी ज़्यादा खाना और स्वीट डिशेस। रिजॉर्ट का चक्कर मारते हैं, देखते हैं कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। उस साइड अभी रूम्स वाला एरिया है सारा, बस ये आई थिंक रिजॉर्ट की बाउंड्री आ गई, ये वाला बीच फेसिंग तो नहीं है रिजॉर्ट। अभी यहाँ से हम चल के जा रहे हैं तो थोड़ा एक्टिविटी वाला एरिया, रिजॉर्ट बीच वाला नहीं है, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि 5 ही मिनट के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बीच आ जाता है। कैफे होगा ना, रूम्स के पास में ही पूल है, तो दैट्स अ गुड थिंग कि उतर के सीधा आप जा सकते हैं। एंड देयर आर दीस साइकिल्स नीचे देखो वो बना रखा है। और ये हमारा एक्टिविटी जोन, हैप्पी हब, पूल टेबल, टीटी, एयर हॉकी, मैं पूल टेबल है ना, एयर हॉकी चल ओके। ये स्विमिंग पूल इतना खाली इसलिए बिकॉज बीच है पास में, और गोवा में लोग बीच में ही जाते हैं, पूल में थोड़ा कम ही जाते हैं एज कम्पेयर टू बीचेस। इधर ये रिलैक्स करने के लिए रिक्लाइनर चेयर्स, ठीक है नॉर्मल सा, अच्छा सिंपल बढ़िया रिजॉर्ट है, बट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे करने के लिए, स्टे करने के लिए अच्छा। पास ही में कोलगा बीच है, 5 मिनट का रास्ता है हार्डली, तो वहाँ जाते हैं हम लोग अभी 5 मिनट में, कोलगा बीच पहुँचते हैं और वहाँ कुछ करते हैं। तो पैदल भी आप आ सकते हो, काफ़ी पास है यार, वॉकिंग डिस्टेंस ही लग रहा है मुझे तो। हाँ 170 मीटर्स दिखा रहा था मैं, 170 मीटर्स है, 170 मीटर्स तो कोई भी चल लेगा बहुत ही आराम से, तो बट हम देख के आगे जाएंगे, काफ़ी कुछ है यहाँ, बट हाँ नाउ बिकॉज वी हैव अ कार, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। कोलगा बीच पे आ गए हम पास ही में, लेकिन अब हम वहाँ पे फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, तो नो मोर शूटिंग फिलहाल, अच्छा सा हम
भी ना फोन के बिना वीडियोस के टाइम स्पेंड करूंगी, व्हिच ही इज गोना लव फॉर श्योर, है ना। थक गए हैं ये बेचारे, फोटोज फोटोज फोटोज। सनसेट हो रहा है अभी। तो मेरे पति बोल रहे हैं मेरी बीवी का चैनल है इफ़ शी कैन हेल्प लोगों की, तो ये वाले स्टार बीच रिजॉर्ट है, यहाँ पे हम डेजीज में आए थे अभी नाइट क्लब के लिए, तो यहाँ पे पास में ही है, पास ही में अभी गोलवा के रूम्स आर अवेलेबल एट ओनली 1200, जिसमें स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, तो यू कैन ऑल्सो कम हियर। और ये अच्छा दिख रहा है यार, डिसेंट इनफ। गए नहीं अंदर वैसे ही, रास्ते में दिखा तो सोचा डाल देते हैं व्लॉग में। अब रास्ते में ही आसपास में बहुत सारा स्ट्रीट शॉपिंग के लिए हमें कुछ कुछ दिख रहा है, बीचेस के पास जैसे होता है। अब गोवा के काजू बहुत फेमस हैं तो वो भी दिख रहे हैं काफ़ी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह कुछ कपड़ों के, तो कुछ बीच वेयर हैं, तो हमने सोचा हम भी उतर के थोड़ी सी शॉपिंग तो कर ही लेते हैं। अभी मैं एक सेकंड यहाँ पे, यहाँ पे आरडी काजू डिपो है, उसके साइड में यहाँ बूमरांग रोड के पास में है ये दुकान, जहाँ एक ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लग रही है तो मैं आ गए। बूमरांग रोड, ये बिल्कुल बूमरांग रोड के कॉर्नर में है। तो ये हम डेजीज जा रहे हैं ना डिस्क के लिए केशिया पाम्स के थ्रू, तो उस रास्ते में आया है, और यहाँ पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है डांस गाने टाइप वाली, बड़ी मज़ेदार सी, और शुभम इज ट्राइंग अलग अलग शूट्स एंड ऑल। शॉपिंग टाइम विद हिम, कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं हम लोग अभी ऐसे ही रैंडम। मैंने तो टी शर्ट के ऊपर ही ट्राई करके देख लिया है। टैनिंग टैनिंग हुई है, गोवा की टैनिंग सही, बीच वाला ना बढ़िया लुक आ रहा है ना। वापस गए हम अकेशिया पाम्स क्लब महिंद्रा में, कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर 5 ही मिनट का गाड़ी से रास्ता था तो हम आ गए यहाँ पर डैजीज पे, जो कि 2 बजे तक रात के खुला होता है, अभी 11:30 बजे हम अप्रॉक्सीमेटली पहुँचे हैं और अच्छे से रेडी वेडी होके आए हैं। ये क्लब है, और जब हमने यहाँ पे इंटर किया ना, यहाँ पे लाइक लोग क्रेजी वाले डांस करते हैं, थोड़ा सा अजीब था, बट ये नूडल्स और ये चिली पोटैटोज या मंचूरियन जो भी मैंने खाए थे मुझे याद है बहुत टेस्टी था, और ये चिकन बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये खाने वाली कुछ चीज़ें अच्छी थी, कॉकटेल्स ओके थी, लड़कियां भी नीचे गिर गिर गए ऐसे डांस कर रही थी, और नॉट शुभम्स टाइप ऑफ क्राउड, बाद में वह लड़ाई अभी होगी थी, हम लोग चले गए थे फिर। और अगले दिन का ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ मैं, ये क्लब महिंद्रा वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। फिर हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो रास्ते में देसाई कैश्यू नट्स एक शॉप हमें कहीं दिखी है, तो मैं अपने ससुर जी के लिए स्पेशली एंड सासू माँ के लिए काजू लेने आई हूँ, और थोड़े ऑब्वियसली फिर अपने घर के लिए मायके के लिए भी लूँगी। गोवा के काजू तो बहुत फेमस है। गोइंग बैक होम फाइनली, सो रास्ते में भी एयरपोर्ट के पास में बीच है वास्को दी गामा पे, 4-5 बीचेस है, बैना बीच और भी कुछ कुछ नाम है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। 10-15 मिनट का रास्ता, 1.5 घंटा है हमारे पास, तो वील स्पेंड सम टाइम देयर। तो यहाँ पे रास्ते में बीच दिख रहा है, बोटिंग वोटिंग बढ़िया, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। आई थिंक बैना बीच पे काफ़ी कुछ है सारी चीज़ें करने के लिए। और होने वाले पति कैसा रहा ट्रिप पे? पति हाँ हाँ रम मिक्स करके कर, मेरी थी रम, मेरी रम है लेमन वाली। अच्छा कैसा लगा फिर ट्रिप? बढ़िया। हाउ इज इट? काफ़ी tiring, exhausting, enjoying, it's not the right word to fit in here, but हाँ काफ़ी enjoy किया, tiring था, exhausting था, different था, unique था, and we got to spend time together, we got to know each other, थोड़ा सा और एक glimpse मिल गया कैसे रहने वाले हम लोग साथ में, develop कैसे कर सकते हैं उसका भी थोड़ा सा idea लगा, थोड़ा सा बहुत सारे लोग हैं ना। हाँ यार बढ़िया बीच है, इतना दोपहर में भरी दोपहर में एयरपोर्ट के पास बोगमोलो बीच कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसा नाम है, बढ़िया बीच है, नाइस। अपने फ्लाइट का टाइम हो ना, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले या फिर कभी कभी होता है ना फ्लाइट लैंड करने के बाद यू हैव 2-3 आवर्स फ्री एंड व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें फिगर आउट करना, यू कैन कम टू दिस बीच, क्या नाम है, बोगमोलो और बोगमोलो बीच कुछ नाम है, वास्को डी गामा पे कई सारे बीचेस है। कितना था? 5-8 to 10 minutes फ्रॉम द एयरपोर्ट, हार्डली 8 to 10 minutes। तो हमारे हम अभी यहाँ पे ऑर्डर कराए हैं अपना चिकन बिरयानी वेज स्प्रिंग रोल्स वगैरह, तो इतने हमने कहा बीच पे आ जाते हैं 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं। इधर आना, कितना वाटर स्पोर्ट्स और कितना कुछ है यार यहाँ पे, लोग इतने बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है देख के मुझे। This is actually very fun beach, totally my type and Shubham's type, but time कम है, otherwise हम यहाँ पे ज़रूर adventure sports भी करते। और हमारी मेरी इंस्टा आई डी look_gorgeous_vartika है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो प्लीज़ फॉलो करना।
यहाँ बीच के पास ही में एक शैक पे बिरयानी खा रहे हैं, हम स्प्रिंग रोल्स खा रहे हैं आई थिंक, फिर हमने अनियन रिंग्स वाले पकौड़े भी ऑर्डर करे हैं, और यहाँ बीच साइड खाने का मज़ा ही अलग है। तो लव दिस थिंग कि बीच का पानी दिख रहा है, सब मस्ती करते हुए लोग दिख रहे हैं, साथ में हम खा पी रहे हैं आराम से। बिरयानी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्प्रिंग रोल्स वगैरह ओके ओके थे, बिरयानी बहुत बढ़िया लग रही है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल #couple। रेंट वाली कार वापस करने गए हैं शुभम एंड वी आर डन विद द ट्रिप। वापस जा रहे हैं हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट, देन नोएडा। अब सैंडविच खाते हुए, मूवी देखते हुए, फ्लाइट में हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने अपने घर। फिर 2 हफ्ते में हमारी शादी है।